हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। तो इसमें हमने देखा था फर्स्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड, आज हम देखेंगे इसका सेकंड अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड जो था इंट्रोड्यूस हुआ था 1916 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, इसकी हम बात करें। इन दिस मेथड स्ट्रेस कंडीशन एट द स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर ऑफ सेक्शन इज एनालाइज्ड इन नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर मेड यूज ऑफ। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है हमारे पास, इन दिस मेथड स्ट्रेस कंडीशन एट द स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर ऑफ सेक्शन इज एनालाइज्ड इन नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर मेड यूज ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो भी मेथड है स्ट्रेस कंडीशन का, इसमें हम इम्पेंडिंग फेलियर जो है सेक्शन का एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हम एनालाइज करते हैं इम्पेंडिंग फेलियर। ठीक है, इम्पेंडिंग फेलियर ऑफ द सेक्शन, तो ये आपको रिमेम्बर ही कर लेना है, इम्पेंडिंग फेलियर ऑफ द सेक्शन हम एनालाइज करते हैं इसमें। एंड नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें हम नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है स्टील और कंक्रीट की उसको बना के उसका यूज करके हम इस मेथड को स्टडी करते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील एंड कंक्रीट और मेड यूज ऑफ। ठीक है, तो इसको आपको एज इट इज रिमेम्बर कर लेना है अल्टीमेट लोड मेथड को, क्योंकि आपको ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये रिमेम्बर कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपको एक दो मार्क्स में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, सेफ्टी मेजर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ लोड फैक्टर। ठीक है, जो इसमें सेफ्टी मेजर जो हम लेते हैं, ठीक है, वो हम लेते हैं एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ लोड फैक्टर, लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो लोड फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हम देख लेते हैं। लोड फैक्टर का जो फार्मूला, लोड फैक्टर इक्वल टू अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड, इसमें जो लोड फैक्टर का फार्मूला होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय द वर्किंग लोड। तो ये आपको रिमेम्बर कर लेना फार्मूला, ये आपको पूछ सकते हैं लोड फैक्टर किसके बराबर होता है, तो आपको बता देना अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड। ठीक है, हाउएवर अल्टीमेट लोड मेथड डज नॉट गारंटी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो अल्टीमेट लोड है, जो अल्टीमेट लोड मेथड है जो हम देख रहे हैं अभी, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मिल जाए। ठीक है, जो सेटिस्फैक्ट्री सर्विस परफॉर्मेंस हमें मिल जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं अपने डिजाइनिंग में। ठीक है, तो इसको हमने एक बार देख लेना खाली। In ultimate load method, distribution of steel results at ultimate load is taken as a distribution at service loads magnified by load factors. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी आप देख लेना, रिमेम्बर कर लेना, इसको ज्यादा समझने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट इसी में हमारे पास पॉइंट है, दिस इज क्लियरली बिकॉज सिग्निफिकेंट इन इलास्टिक बिहेवियर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट takes place as loading is increased from service loads to ultimate loads. ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास जो था अल्टीमेट लोड मेथड था ये हमने देख लिया, तो ये आपको रिमेम्बर ही कर लेना है, इसको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास सिलेबस में है नहीं और ये हम इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग भी हमने जो तीन स्ट्रक्चर मैंने बताया उसका डिजाइन ही करते हैं, बाकी डिजाइन हम वर्किंग स्ट्रेस के मेथड के अकॉर्डिंग भी नहीं करते। ठीक है, इसलिए जो हमारी मेन इंपॉर्टेंस होगी वो होगी लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड, आज हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हमारे पास है, इसकी जो इंट्रोडक्शन हुई थी 1917 में हुई थी, इसकी लिमिट स्टेट मेथड की जो इंट्रोडक्शन हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक, इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, वी नो दैट देयर इज अनसर्टेनिटी इन द लोडिंग एंड द मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है लोडिंग में अनसर्टेनिटी, हमें पता है कि जो लोडिंग है उसमें अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, और हमारे पास जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। ठीक है, मतलब हम लोड हमें पता नहीं होगा कि कब कौन सा लोड आ जाए, जैसे मान लो किसी एरिया में हमने कोई बिल्डिंग बना ली, या ये मान लो कोई बिल्डिंग है तो हमने इसको प्रॉपर लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया, लेकिन बीच में यहाँ पे कोई विंड आ जाती है,
ठीक है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हम उसमें क्या करें? तो उसको हमें मिनिमाइज करने के लिए जो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है वो है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, या फिर कोई मटेरियल प्रॉपर्टी है, मान लो मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिए भी हमने जो अच्छे तरीके से अगर डिजाइन करना स्ट्रक्चर, तो हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन को यूज करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स अनसर्टेनिटी अकर्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन डायमेंशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है, अनसर्टेनिटी होती है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो अचानक हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेन हमें पता भी नहीं हो और वो चीज हो जाए, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन डायमेंशन ऑफ मेंबर, जैसे कि हमारे पास मेंबर के डायमेंशन में अनसर्टेनिटी आ जाए, मान लो हमने पहले रखा था कि बीम की लेंथ इतनी होगी, तो बाद में हमने देखा कि सिचुएशन देखी, साइड देखी, साइड के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो बीम की लेंथ है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। अनसर्टेनिटी ड्यू टू सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस यूज्ड इन द एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है, या फिर कोई भी हमने कोई चेंजिंग करनी हो सिंप्लीफाइंग के लिए, कोई भी चीज सिंप्लीफाई करने के लिए चेंजिंग करनी है, तो वो भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो वो सारी अनसर्टेनिटीज को हम देखेंगे किसमें, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, ठीक है। टू अकाउंट फॉर दीज अनसर्टेनिटीज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज इन व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लोड फैक्टर आर यूज इन अल्टीमेट लोड मेथड, तो हमने पीछे देखा था कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज करते हैं किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है, अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करने के लिए। उसके बाद लोड फैक्टर्स हम यूज करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड में, लेकिन इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें हम क्या यूज करते हैं देख लेते हैं। हाउएवर देयर इज नो थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू ओवरकम दिस रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस वाज परफॉर्मड एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर एस्टेब्लिश्ड बोथ फॉर लोडिंग एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज, दीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर कॉल्ड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, ठीक है। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें लिमिट स्टेट मेथड में हमने चेंज करके इसको बना दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि हमने क्या ओवरकम करना था, रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, टू ओवरकम दिस रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस वाज परफॉर्मड एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बोथ फॉर लोडिंग एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हम दोनों के लिए एस्टेब्लिश कर लिया, लोडिंग के लिए भी और मटेरियल प्रॉपर्टीज जो चेंज होती थी उसके लिए भी हमने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एस्टेब्लिश किया और उसका नाम रखा हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो इसमें जो हम लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लेते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट मेथड में हम लेते थे अल्टीमेट लोड, और इसमें हम लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एनालिसिस बेस्ड ऑन द अबो कंसेप्ट वाज कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो इस अबो जो हमने डिस्कस किया मेथड, तो इसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। जो भी कंसेप्ट हमने ऊपर डिस्कस किया पूरा, उसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड को हम शॉर्ट में LSM भी लिखते हैं, दैट मीन लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड प्रोवाइड्स एडिक्वेट सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड, ठीक है, अल्टीमेट लोड पे भी हमें ये प्रोवाइड करता है, एडिक्वेट सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एंड एडिक्वेट सर्विसेबिलिटी एट सर्विस लोड, और एडिक्वेट हमें सर्विसेबिलिटी प्रोवाइड करता है एट सर्विस लोड्स पे, ठीक है। तो आपको ये चीज रिमेम्बर कर लेनी है, बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल लिमिट स्टेट्स, ठीक है, बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल लिमिट स्टेट्स, जितनी भी पॉसिबल लिमिट स्टेट्स हैं वो कंसिडर करके हमारे पास ये हमें सेफ्टी देता है, अगर सेफ्टी देता है एट अल्टीमेट लोड पे और सर्विसेबल लोड्स पे, ठीक है। आगे हम इनको और डिस्कस करेंगे अच्छे से। इन दिस मेथड ऑफ डिजाइन एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट कोलैप्स डिफर कंसिडरेबल फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यूज, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं कोलैप्स के टाइम पे, ठीक है, इसमें हमारे पास इस मेथड में क्या होता है, जो एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं हमारे पास कोलैप्स के टाइम पे, वो डिफर करती है, मतलब वो अलग होती है, ठीक है, डिफर करती है कंसिडरेबल फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यूज, थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफर करती है। मान लो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास 30 आई, तो एक्चुअल वैल्यू हो सकती है 35 हो जाए, 35 या फिर 60 हो जाए, तो चेंज होगी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू तो 30 है इसकी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वेरियस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैज साउंड प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस, ठीक है।
तो जो भी हमारे पास सिलेक्शन है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का, वो प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे हमने किया होता है, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू इसमें होती है। ठीक है, लिमिट स्टेट इज ए स्टेट इन विच द स्ट्रक्चर बिकम्स अनफिट फॉर यूज। ठीक है, लिमिट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है, लिमिट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बिकम्स अनफिट फॉर द यूज, मतलब स्ट्रक्चर जो है अनफिट होता है यूज के लिए। ठीक है, लिमिट स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें स्ट्रक्चर क्या होता है अनफिट होता है फॉर द यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारे पास टॉपिक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट्स। दो टाइप की लिमिट स्टेट्स हमारे पास हैं, टू टाइप्स की लिमिट स्टेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी एंड सेकेंड है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो हम देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है। फर्स्ट अगर देखें हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के बारे में, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अंडर सर्विस लोड लाइक डिस्कम्फर्ट कॉज बाय एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, क्रैक विड्थ, वाइब्रेशन, लीकेज, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अंडर सर्विस लोड। ठीक है, सर्विस लोड के अंदर हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री इसमें परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, लाइक डिस्कम्फर्ट कॉज बाय एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें जैसे कि डिस्कम्फर्ट हमारे पास कॉज हो रहा है एक्सेसिव डिफ्लेक्शन से, क्रैक विड्थ हमारे पास इसमें आ जाता है, वाइब्रेशंस आ जाती हैं, लीकेज आ जाती है, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, तो ये सारे आ जाते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर नॉर्मल ओवरलोड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होती है हमारे पास प्रोवाइड की जाती है फॉर द नॉर्मल ओवरलोड्स के लिए। ठीक है, दीज इंक्लूड लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें हमारे पास आ जाती है स्टेट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाती है, उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग, फटीग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेम्बर कर लेना है, एज इट इज रिमेम्बर कर लेना है, और आपने ये चीजें थोड़ी बहुत पहले भी देखी होंगी। ठीक है, तो इसका जो नोट है इंपॉर्टेंट नोट है ये आपको देख लेना है, इफ ए स्ट्रक्चर हैज रीच्ड ए लिमिट स्टेट। ठीक है, अगर एक कोई स्ट्रक्चर है वो रीच कर जाता है अपनी लिमिट स्टेट को, ठीक है, लिमिट स्टेट को रीच कर जाता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को। ठीक है, रीच द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को एंड लोड्स आर रिमूव्ड, और उसके बाद हम लोड्स को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक बार वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को रीच कर जाता है उसके बाद हम लोड रिमूव करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या है अपनी पोजीशन पे दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे दोबारा रिटर्न वापस आ सकता है। ठीक है, हाउएवर अगर ये तो था एक पॉइंट कि अगर हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर पहुंच जाता है तो उससे अगर लोड हम हटा देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकता है, लेकिन हाउएवर स्ट्रक्चर रीचिंग लिमिट स्टेट, अगर स्ट्रक्चर रीच कर रहा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को, अगर स्ट्रक्चर रीच कर रहा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को तो वो रिकवर नहीं हो सकता, डज नॉट रिकवर। ठीक है, डज नॉट रिकवर टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ सकता। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे कोई स्ट्रक्चर है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे एक स्ट्रक्चर है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे, SERVICEABILITY सर्विसेबिलिटी पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे आ गया है तो अगर हम उसका लोड को रिमूव कर लेते हैं, लोड को हम क्या कर लेते हैं, लोड रिमूव कर लेते हैं, तो वो क्या स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस टाइम पे उसका लोड हम रिमूव करें, लोड रिमूव करें तो स्ट्रक्चर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, कैन नॉट, और हम डज नॉट लिखते हैं, डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप। आई होप आपको यही लेक्चर भी समझ में आया होगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।